Hello, welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad, and it is my email ID. And the lecture will be in bilingual mode as usual, beneficial for both Hindi as well as English medium students. And do subscribe my channel to get my future videos too. And this video will be very useful for various teaching examinations. So what I am going to discuss today is a new concept of Jean Piaget. Decal age. Why it is new? Because it is unexplored so far. Decal age. जब जहाँ पियाजे को हम लोगों ने पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने decal age का ही शब्द कभी नहीं सुना है। एक बार मैं एक ऐसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टिक कर रही थी, तो उसमें पूछा गया कि हॉरिजॉन्टल डिकल एज का कंसेप्ट किससे जुड़ा हुआ है। जी पियाजे और तीन चार दो तीन और साइकोलॉजिस्ट थे, तो मुझे कोई भी हिंट नहीं लगा कि जी पियाजे डिकल एज से कंसर्न हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है पियाजे को और ये हमें कहीं नहीं मिलता है कभी पढ़ने के लिए। ना हमें किताब में मिलता है, ना किसी आर्टिकल में मिलता है, ना कोई हमको बताता है, ना टीचर क्लास में डिस्कस करते हैं। देन क्यों ऐसा है कि ये कंसेप्ट था और ये छूट गया, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर आपसे बात करनी चाहिए। क्या है डिकल एज? हम सभी जानते हैं कि पियाजे साहब फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे, इसलिए ये एक फ्रेंच टर्म ही है जिसका मतलब है इंटरवल और शिफ्ट। अब ये कहां से आया, कहां हमसे ये छूट गया था डिस्कस करने में, और क्यों ये जरूरी है, क्योंकि इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं और नई चीजें हमें पता नहीं है तो हमें जरूर पता होनी चाहिए। तो डिकल एज इज ए फ्रेंच वर्ड मीनिंग इंटरवल और शिफ्ट। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब कि कोई अंतराल या किसी प्रकार की शिफ्ट से है। ठीक है, ए टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्विस साइकोलॉजिस्ट जियां पियाजे, यानी जियां पियाजे साहब ने ही ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था। किसके लिए? फॉर द नॉन साइमल्टेनियस अटेनमेंट ऑफ डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड ऑपरेशनल एबिलिटीज। भाई वो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। हमको अगर आपको याद से दिमाग से निकल गया है तो याद दिला दें कि चार स्टेजेस की बात करते हैं वो, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट चार स्टेजेस के थ्रू होता है। प्री ऑपरेशन सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जिसमें वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा टर्म है जिसके लिए उन्होंने दिया कि नॉन साइमल्टेनियस अटेनमेंट है, यानी कि कुछ प्राप्ति हो रही है लेकिन नॉन साइमल्टेनियस, यानी बराबर से नहीं हो रही, कुछ अंतर आ जा रहा है। ये कह रहे हैं ना अंतर, इंटरवल है। डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड ऑपरेशनल एबिलिटीज, यानी कि कुछ अलग अलग एबिलिटीज हैं ऑपरेशनल, लेकिन बहुत एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। कहने का क्या अर्थ है कि ये कुछ इस तरीके का टर्म है, इस किसके लिए दिया गया है कि कुछ अटेनमेंट जो इंडिविजुअल कर रहा है वो नॉन साइमल्टेनियस हो जा रहा है, यानी कि साथ साथ नहीं चल रहा है, कुछ क्लोजली रिलेटेड ऑपरेशनल एबिलिटीज में। देन इन पियाजेशियन थियरी द इनवेरिएंट ऑर्डर इन विच अकॉम्प्लिशमेंट्स अकर विद इन ए पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कहते हैं ना कि हर बार वो हर स्टेज की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि छात्र जो है, विद्यार्थी जो है, इंडिविजुअल जो है, वो कुछ accomplish कर लेता है, यानी कि कुछ प्राप्ति कर लेता है, या उस टास्क उस डेवलपमेंटल स्टेज का कुछ टास्क होता है। तो यहाँ इनवेरिएंट ऑर्डर हो गया, यानी कि क्रम कुछ गड़बड़ हो गया है, इतनी सी बात है बस। और तीन तरीके के डिकल एज की बात उन्होंने की है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लिक, जिसमें से हॉरिजॉन्टल पूछा जाता है अक्सर, मतलब जहां तक मेरी नजर पड़ी है। तो जान लेते हैं क्या है ये हॉरिजॉन्टल डिकल एज। इट इज द नॉन साइमल्टेनियस, देखिए नॉन साइमल्टेनियस अटेनमेंट, डिकल एज ओवरऑल नॉन साइमल्टेनियस अटेनमेंट है, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल डिकल एज की बात की जाएगी, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि हम इस क्रम में बात करें, वर्टिकल का क्या मतलब है इस क्रम में बात करें, तो इसका मतलब कि जब हॉरिजॉन्टल डिकल एज की बात की जाएगी तो एक ही लेवल पे है, यानी कि डेवलपमेंटल स्टेज सेम है, ये हमको ध्यान देना होगा। ठीक है, इट इज द नॉन साइमल्टेनियस अटेनमेंट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए कॉग्निटिव ऑपरेशन ड्यूरिंग द सेम डेवलपमेंटल स्टेज, यानी कि ये क्या है, अंतर आया है, कब आया है, क्यों आया है, कि हमें कुछ नॉन साइमल्टेनियस अटेनमेंट हमने किया है, किसका, कॉग्निटिव ऑपरेशन का। कुछ हम सीख रहे थे, कुछ संज्ञानात्मक संक्रिया चल रही थी जिसमें कुछ थोड़ा सा शिफ्ट आ गया, इंटरवल आ गया, लेकिन स्टेज क्या है, डेवलपमेंटल की सेम है। फिर इट रिफर्स टू द ऑब्जर्वेशन दैट वंस अ चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क और फंक्शन, यानी कि प्रेक्षण किया गया, देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि जब एक छात्र है, एक बालक है, उसको कोई एक सर्टेन टास्क या फंक्शन की उसको एबिलिटी आ गई है, मतलब उसको योग्यता आ गई कि वो ये पर्टिकुलर काम कर सकता है। दे डोंट नो हाउ टू इमीडिएटली अप्लाई द कंसेप्ट टू अदर फंक्शंस और टास्क्स,
दैट शेयर द सेम कंसेप्चुअल आइडिएशन, ये इसका क्रक्स है। ये कह रहा है कि बच्चे को आ गई कोई एबिलिटी, लेकिन वो तुरंत ये नहीं जान पाता है कि हम इसको इमिडिएटली कैसे दूसरी सिमिलर सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं जिनमें कि सेम कंसेप्चुअल आइडिएशन फॉलो हो रहा हो। यही जो अंतर है, यही जो लैग है, यही जो डिफरेंस है, उसको इन्होंने डिक्लेयर का नाम दिया। और जब सेम डेवलपमेंटल स्टेज पर ये बात हो रही है तो ये हॉरिजॉन्टल डिक्लेयर हो जाता है। जब वर्टिकल स्टेज पर ये बात होगी तो ये वर्टिकल जब डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज में ये बात होगी तो ये वर्टिकल डिक्लेज हो जाएगा। इट सिग्निफाइज इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस हम कैसे दे रहे हैं, इनकंसिस्टेंट दे रहे हैं। अटेनमेंट कैसा है, नॉन साइमल्टेनियस अटेनमेंट है। इन प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग द सेम कॉग्निटिव प्रोसेसेस, यानी कि हम वो प्रॉब्लम को करना सीख गए हैं, हमको पता है कौन सी कॉग्निटिव टास्क उसमें यूज होता है, लेकिन हम इनकंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। इट इज अ लैग इन टाइम ऑन बींग एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टास्क दैट रिक्वायर द सेम कॉग्निटिव फ्रेमवर्क, है ना। ये एक अंतर है समय में आ रहा है, जो हमको एक टास्क तो हम करना सीख गए पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दूसरे सिमिलर टास्क में उसको कैसे अप्लाई करना है। इट अकर्स ड्यूरिंग द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये भी सवाल बन सकता है कि हॉरिजॉन्टल डिक्लेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट की किस स्टेज में आता है, मतलब ये घटना कब होती है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल उसका उत्तर हो जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज मोस्ट ऑफन ऑब्जर्व यूजिंग कंजर्वेशन टास्क विच वी मास्टर ड्यूरिंग दिस स्टेज। जब हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में डेवलप हो जाती है। जब हम लॉजिकल थिंकिंग पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि वो कंजर्वेशन सीख जाता है, मतलब वो ये समझ जाता है कि वो हम जानते हैं ना कि हमने लिया है क्ले बॉल है, उसको हम लंबा कर दें, उसको गोल कर दें, चौकोर कर दें, तो वो ये समझ जाता है कि कंजर्वेशन यानी कि वापस उसको लेंगे तो फिर से वो वही बॉल बन जाएगी जहां से हमने बनाना शुरू किया था। ये इसका बेसिक थीम है। तो इसमें आगे और जानते क्या है, दिस कंसेप्ट इज मोस्ट ऑफन ऑब्जर्व, अच्छा ये दो बार आ गया, ऑब्जर्व यूजिंग कंजर्वेशन टास्क विच वी मास्टर ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको क्या है ये। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी इज ऑलवेज अचीव्ड बिफोर अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन ऑफ वेट, विच इज अचीव्ड बिफोर अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। ये ही है अंतर। वो कह रहे हैं कि कंजर्वेशन टास्क तो बच्चा सीख गया, लेकिन पहले वो ये सीखा कि परिमाण बराबर है, फिर वो ये सीखेगा कि वेट बराबर है, और सबसे लास्ट में वो सीखता है कि वॉल्यूम भी बराबर है। यानी कि क्वांटिटी के मतलब वॉल्यूम से पहले वेट का कंजर्वेशन आता है, वेट से पहले क्वांटिटी का आता है, या हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी के कंजर्वेशन का कंसेप्ट आने में और वॉल्यूम के कंजर्वेशन का कंसेप्ट आने में जो अंतर है वही हॉरिजॉन्टल डिक्लेज है। समझ में आई बात। चिल्ड्रन टिपिकली डेवलप कंजर्वेशन ऑफ मास एट एजेस 6 to 7। वो कह रहे हैं कि 6 से 11 है ना, 6 से 11 हाँ इसकी एज स्पैन। तो वो कह रहे हैं कि जब हम 6 से 7 में कंजर्वेशन ऑफ मास सीख जाता है, बच्चा डेवलप कर लेता है, कंजर्वेशन ऑफ वेट वो 9 से 10 में सीख लेता है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ वाटर उसको लगभग 11 साल मतलब थोड़ा, ये तो एक डिमार्केशन, ऐसा थोड़ी है कि 6 से 7 में 9 में ही वो सीखेगा, वो तो ओवरलैपिंग है। लेकिन कहने का मतलब है कि पहले कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट डेवलप होता है, फिर कंजर्वेशन ऑफ वेट का, और फिर कंजर्वेशन ऑफ वाटर का, और यही लैगिंग, यही डिफरेंस, यही इंटरवल, यही शिफ्ट हॉरिजॉन्टल डिक्लेज है। डिक्लेज लेकिन चूंकि सेम डेवलपमेंटल स्टेज में हो रहा है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल डिक्लेज कह दिया गया। ओके, तो हॉरिजॉन्टल डिक्लेज मींस दैट ऑल्दो अ चाइल्ड हैज अटेन्ड द गिवन कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एट एज 6, मतलब यद्यपि छात्र को ये योग्यता आ गई है, उसने ये प्राप्त कर लिया है कंसेप्ट की कंजर्वेशन संरक्षण का नियम का कंसेप्ट उसके पास आ गया 6वें साल में ही, लेकिन दे कैन नॉट ट्रांसलेट दिस कंसेप्ट इनटू सिमिलर कंजर्वेशन टास्क अंटिल दे आर ओल्डर, मतलब 9 से 10 लग जाता है साल उनको पहुंचने में जब वो मास सॉरी वेट का कंजर्वेशन समझ पाए, फिर 11 की वाटर का कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि हमने पानी लिया ना बड़े ग्लास में, चौड़े ग्लास में, पतले ग्लास में, कि पतले में ज्यादा आता है और चौड़े में कम आता है, लेकिन तब भी उसकी मात्रा जो है वो बराबर है, वॉल्यूम जो है वो बराबर है, ये चीज। ओके, यही था मेन कंसेप्ट। वर्टिकल ऑब्लिक आसान है। वर्टिकल क्या है कि वर्टिकल डिक्लेज रिफर्स टू चेंजेस दैट अकर्स एज अ चाइल्ड प्रोग्रेसेस फ्रॉम वन डेवलपमेंटल स्टेज टू अनदर। ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे ही सेंसरी मोटर से प्री ऑपरेशनल में गए, सब कुछ सेंसरी मोटर का खत्म और प्री ऑपरेशनल का चलने लगेगा, फिर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ऐसा नहीं ना। हम क्या करते हैं, ये अंतर आता है, ये इंटरवल, ये शिफ्ट हमको मिलता रहता है वर्टिकली। जब हमको स्पैन ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस में मिलेगा तो वर्टिकल हो जाएगा, जब सेम डेवलपमेंटल स्टेज में मिल रहा है और स्पेशली कंजर्वेशन टास्क में मिल रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल है। और ऑब्लिक डिक्लेज क्या है कि ऑब्लिक डिक्लेज रिफर्स टू रिफाइनमेंट्स ऑफ एबिलिटीज एट वन डेवलपमेंटल स्टेज दैट प्रिपेयर द वे फॉर अटेनमेंट्स एट अ लेटर स्टेज, ना। तो ऑब्लिक को कम पूछते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पूछ लेते हैं। और हॉरिजॉन्टल जब पूछा गया तो आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि मैं मतलब मैं कहीं से भी क्लिक नहीं कर पाई, कनेक्ट नहीं कर पाई कि डिक्लेज पियाजे से कनेक्ट हो सकता है। तो मुझे लगा कि आपके संग शेयर करना चाहिए।
अब आप जान जाइए ताकि आप सही उत्तर पर टिक लगा सकें। और देखिए ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे हम लोग अभी भी अनजान हैं और हमें लगता है कि हम पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट को जान गए हैं। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप टू गेट लर्निंग मटेरियल्स, आस्क योर क्वेरी एंड प्रोवाइड योर फीडबैक देयर। ओके, डन फ्रॉम माई साइड।